हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वी कैन डू। भाई लॉकडाउन चल रहा है और सब क्रिएटर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अच्छा बना रहे हैं, बहुत एफर्ट भी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखो बहुत ज़्यादा टाइम गेनिंग वाला काम तो मेरे से होता नहीं है, तो मैंने बहुत झटपट से जो बन जाए ऐसा कुछ बनाया है आप लोगों के लिए। जी हाँ, मैंने एक इयररिंग्स ऑर्गेनाइज़र आप लोगों के लिए बनाया है जो 5 मिनट में यूं करके बन जाना है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब बन गया। सिंपल इसलिए रखा है कि भले ही लॉकडाउन है लेकिन हमारे पास घर में करने को बहुत सारे काम हैं, तो जो भी घर में बिजी भी है और चाहते हैं कुछ अच्छी सी एसेसरीज ऑर्गेनाइज़र उन्हें मिल जाए तो आई थिंक उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी चीज़, आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट दिया है, जो मेरी वीडियोज़ को प्यार दिया है, लाइक दिया, उनके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट करती रहिए, मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ और बहुत यूनिक तरीके से आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना वीडियो और हाँ पूरा वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेना है ये हैंगर और लेनी है एक पुरानी कुर्ती। जी हाँ, कोई भी पुरानी कुर्ती, लेकिन ये देखिएगा कि जो कुर्ती का कपड़ा हो वो बहुत मज़बूत हो, थोड़ा मोटा कपड़ा हो, बहुत हल्के कपड़े को आप यूज़ मत करें। तो इस पुरानी कुर्ती में से मैं हैंगर के साइज़ का, मतलब हैंगर के दोनों साइज से थोड़ा थोड़ा छोटा एक कपड़ा काट के निकाल लूँगी। जितना बड़ा पीस मुझे चाहिए, जितना बड़ा पीस आप बनाना चाहते हो उतना बड़ा, इसको आप ध्यान से कट कर लीजिए। ये देखिए कपड़ा मैंने कट कर लिया है और ये हैंगर के साइज़ का हो गया है। अब ये एक साइड से मुड़ा हुआ है, दूसरी साइड से हम हैंगर में इसको जोड़ेंगे। जी हाँ, अगर ये नीचे से मुड़ा हुआ नहीं होता तो फिर मैं इसको नीचे से ही मोड़ती, लेकिन ऑलरेडी इसमें एक सूट का कपड़ा तो एक साइड से मुड़ा हुआ है। अब इस हैंगर पर इस तरह से इसको लगा के मैं कर दूँगी इसकी सिलाई। अगर आपके पास स्विंग मशीन है तो आप स्विंग मशीन से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्विंग मशीन नहीं है तो आप इसको हाथ से भी जोड़ सकते हैं। आप चाहो तो इसको ग्लू से भी जोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसको स्टेपल भी कर सकते हो। जी हाँ, बहुत सिंपल रखना है यार। तो मेरे पास स्विंग मशीन थी और मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती है, तो मैंने इसको डायरेक्ट ही सिलाई मशीन से सिल लिया है, जिसमें कि थोड़ा सा मजबूत हो जाए, और डबल सिलाई लगा करके मैंने इसको बहुत मजबूत कर लिया है। आप इसको स्टेपलर से स्टेपल करके भी ना इसको आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एंड इट इज़ कम्प्लीट। जी हाँ, बस इतना ही सही करना था, सिर्फ एक कपड़ा काटना है और इस तरीके से आपको अपने सारे इयररिंग इसमें हैंग कर लेना है। और इस तरीके से आप हैंगर को उठाइए और अपनी अलमीरा में यूं करके टांग लीजिए। देखा कितना इजी है। जब भी आपको इसको पहनने का मन करे, आपको इसे इयररिंग देखना चाहते हो कि मुझे कौन सा पहनना है, इस तरह से निकाले, साइड में कहीं टांगे और अपना मनपसंद का इयररिंग निकाल करके आराम से पहन लीजिए। और पहनने के बजाय आपको रखना हो तो इधर उधर रखने की जगह आराम से इसी में इसको दोबारा से टक कर दीजिए, तो है ना बहुत अच्छा वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, यूज़फुल है कि नहीं वो भी बताइएगा।